ये रनवे देख रहे हैं आप, ये रनवे भागलपुर का ऐतिहासिक हवाई अड्डा का रनवे है। कभी यहाँ पर 36 सीटर कलिंगा एयरवेज का प्लेन उड़ा करता था। 1969 से 1971 दो साल तक कलिंगा एयरवेज का प्लेन उड़ा था। उसके बाद हवाई सेवा हवा हवाई रह गई। यहाँ के नेताओं, सांसदों और मंत्रियों ने लगातार जनता के बीच हवाई पुल बांधे कि यहाँ से भागलपुर से हवाई सेवा की शुरुआत होगी। लेकिन हम बात करें तो दशकों से लोगों को हवाई सेवा का यहाँ पर इंतज़ार है। यहाँ पर सिल्क उद्योग, जिसके नाम से भागलपुर मशहूर है, सिल्क सिटी के नाम से यहाँ पर सिल्क उद्योग है। कई सारे उद्योग के आसार हो सकते हैं यहाँ पर जब हवाई सेवा शुरू हो। कल की बात करें तो कल पूर्णिया, रक्सौल, गोपालगंज और गया से रिपोर्ट मांगा गया है बिहार सरकार से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, कि वहाँ की ज़मीन की रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। लेकिन भागलपुर इतने में कहीं नहीं है। बहुत जल्द पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही दूरी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के ग्राउंड में लाउंज है। इस लाउंज का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। उसके बाद लोगों को उम्मीद जगी कि लाउंज का उद्घाटन हुआ है तो हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी, लेकिन हवाई सेवा शुरू नहीं हुई। 2019 में लोकसभा चुनाव आए, सांसद यहाँ के, उन्होंने कहा कि हवाई सेवा हम यहाँ पर शुरू करवाएंगे, लेकिन नहीं करवा पाए। फिर आया 2020 विधानसभा चुनाव, नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि हम हवाई सेवा शुरू करवाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर आके अटक जाते हैं कि वो विपक्ष के विधायक हैं, कि वो सरकार में नहीं है। तो मैंने आग्रह कई बार विधानसभा में सवाल उठाया है सदन में, और इस बार मैंने आदरणीय ज्योतिराव सिंधिया को भी पत्र लिखा है, और पत्र लिखने के साथ साथ मैंने आज आदरणीय शहनवाज जी, जो आज उद्योग मंत्री हैं, जो पहले से यहाँ सांसद, उनको भी मैंने आज पत्र भेजा है, और उनसे भी आग्रह किया कि आप आदरणीय ज्योतिराव सिंधिया से बात, आप पूर्णिया की बात कर रहे हैं बनाने का, दरभंगा में बना रहे हैं, जबकि पटना के बाद अगर सबसे कोई आर्थिक रूप से मजबूत और बड़ा शहर है भागलपुर, यहाँ कम से कम 8-10 जिला के लोग उपयोग में लेंगे उसको। इसलिए मेरा आग्रह था, सबसे किया है मैंने, और मैं उनसे टाइम भी मांगा हूँ ज्योतिराव सिंधिया से, अगर देंगे तो मैं जाके बात करूँगा। निश्चित तौर पर हवाई सेवा यहाँ शुरू होना चाहिए। जब हवाई सेवा शुरू होगा तब यहाँ पर कल कारखाने बड़े बड़े लगेंगे, शुल्क उद्योग फिर से पुनः, क्योंकि पहले भी हवाई सेवा यहाँ से चलती थी, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार चलना है, बंद कर दिया गया है। उस समय लोग परचेजर बाहर से, विदेशों से लोग आते थे, इसलिए मेरा आग्रह है कि उसको चालू किया जाए बिहार के हित में, भागलपुर के हित में। लाजमी है सरकार में रहे तो ना सरकार उनकी बातों को सुने। कई बार उन्होंने पत्र लिखा और विधानसभा में मुद्दे को उठाया, इस मुद्दे को गरमाया, लेकिन हवाई सेवा यहाँ से शुरू नहीं हो पाई। विधानसभा इलेक्शन में भी इस हवाई अड्डे की बात चली थी। माननीय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने कहा था कि यहाँ से हिमालयन की एयर कनेक्टिविटी शुरू होगी, हवाई सेवा शुरू होगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब जो है भागलपुर के युवा भी जागरूक हुए और ट्विटर पर ट्रेंड कराया। पहली बार ट्विटर ट्रेंड हुआ भागलपुर, 17,000 लोगों ने ट्वीट किया था कि भागलपुर में हवाई सेवा शुरू हो, लेकिन फिर से वो राजनीति में हवाई सेवा फंस गया और यहाँ से लोग अब उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि पूर्णिया की डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू होने की मांग जो है लगातार अब होने लगी है, और वहाँ से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार सरकार से वहाँ की ज़मीन की भी मांग कर दी है। इसके बाद लोग जो हैं थक चुके हैं और नेता जो हैं वो भी थक चुके हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि भागलपुर से हवाई सेवा जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के जो बड़े बड़े शीर्ष पे बैठे हुए राजनीतिक करने वाले जो लोग हैं, वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये सब बात नहीं आ रही है कि भागलपुर में जो अभी सिल्क उद्योग का जो भी बात चल रही है और बहुत सारे रोजगार की, शिक्षा की और बहुत सारे मुद्दे पर बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा भागलपुर इसमें पिछड़ रहा है। और पिछड़ क्यों रहा है, क्योंकि हमारे पास हवाई सेवा नहीं, स्वास्थ्य सेवा के लिए भी बहुत ज़्यादा पर्याप्त ज़रूरत है, तो उसके लिए भी यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर एम्स जाना हो तो उसके लिए भी पटना जाके ही लोग जाएंगे। और इसके अलावा कि जहाँ तक मुझे लगता है और मैं देखता हूँ कि पूरे बिहार में भागलपुर का एक अपना ही एक अलग पहचान है। पटना के बाद अगर किसी का नाम आता है तो भागलपुर का आता है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी भागलपुर के गढ़ में है,
और हमारे पास इतना ऐतिहासिक सब कुछ होने के बावजूद ये राजनीतिक जो दोहरीकरण झेल रही है भागलपुर के, यहाँ के कुछ राजनेता ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे बयान जारी करते हैं जिस पे मुझे लगता है कि उन्हें इस जिम्मेदारी को लेके नहीं लगता है कि भागलपुर इतने। हाँ भाई, निराश हम लोग भी है, सब जगह हो रहा है, भागलपुर से नहीं, भागलपुर में जगह उपलब्ध नहीं है, जगह का खोज कर रहे हैं। सब कोई कहता है गोराडी में इसका गौशाला का जमीन है, तो दिखवा लेते हैं कितना सा गौशाला का जमीन है। अगर 100 एकड़ पुर गया तो हवाई जहाज यहाँ उड़ेगा। बगल में पूर्णिया, हाँ पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, सब जगह वहाँ उपलब्ध जमीन है, यहाँ उपलब्ध जमीन नहीं है, सब बाढ़ से प्रभावित इलाका है ना। कहाँ कोनो बाढ़ ग्रस्त इलाके में जहाँ पानी जमता हो वहाँ कैसे ले जाएंगे? जमीन तो है दियारा में, दियारा में हवाई जहाज अड्डा नहीं है ना बनेगा। भागलपुर में जरूरी तो है, हवाई जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप उद्यान मंत्री के पास मिलेंगे क्या प्रस्ताव? नहीं नहीं, मंत्री के पास मिलेंगे तो लिखित आवेदन देंगे कि भाई हवाई जहाज छोटी मोटी रात दिन उतरते रहे भागलपुर में, भागलपुर ये हमारा भागलपुर जिला है ना, क्या क्या स्मार्ट सिटी बनने जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी किस मामले में, हवाई जहाज उड़ान नहीं भरा वहाँ से स्मार्ट। यहाँ 20 सीटर की बात चल रही थी कि 20 से 30 सीटर का विमान उड़ सकता है इस हवाई अड्डे से, लेकिन फिर बीच में बात हुई शाहनवाज हुसैन जो अभी उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ से यहाँ पर नहीं हो पाएगा शुरू, न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की मांग होगी, जिसे कहा जा रहा था कि गोराडी में जमीन है एयरपोर्ट के लिए, वहाँ से हवाई सेवा शुरू होगी। फिर जनता को उम्मीद जगी कि यहाँ से हम लोग अब हवाई जहाज भी उड़ेंगे यहाँ से, और जो है उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, सिल्क उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जो विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका भी जो है विस्तार होगा, उसका भी विकास होगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट ग्राउंड ये पूरा गंदा हो चुका है, और यहाँ पर इस और भी हम आपको दिखाएंगे, ये भैंसों का तबेला बन चुका है, भैंसों का ग्राउंड बन चुका है एयरपोर्ट ग्राउंड, अब ये नहीं रह पाएगा और ना यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो पाएगी, क्योंकि जो हालात अब बन रहे हैं 5-6 जिलों की बातें सामने आई कि वहाँ से ज़मीन मांगी जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन भागलपुर उसमें कहीं नहीं है, जबकि भागलपुर होना ज़रूरी है। भागलपुर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सिल्क व्यवसाय है, भागलपुर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, भागलपुर में हवाई सेवा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध अजगैवीनाथ मंदिर है, लेकिन फिर भी भागलपुर पिछड़ता रहा है क्योंकि राजनीति यहाँ पर बस एयरपोर्ट को लेकर राजनीति होते रहती है और भागलपुर हवाई मसले पर पिछड़ता जाता है। स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में हवाई सेवा कब तक शुरू होगी यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अश्विन कुमार, बिग न्यूज़ भागलपुर।